टॉपिक है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसी से हमको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ऑफ एक्सरसाइज 13.4 है। 13.4 का इंट्रोडक्शन भी हमको यही से मिल जाएगा। मैं एक बहुत छोटी सी बात लिखता हूं, ठीक। रैंडम वेरिएबल, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मैं हर चीज समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरी बात को। हर चीज, एक एक वर्ड जो मैं यहां पे लिखूंगा बिल्कुल दिमाग में घुसा दूंगा। रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज अ रियल नंबर, पहले तो ये समझोगे, ये रियल नंबर है, रियल वैल्यूड फंक्शन। हाँ, रियल नंबर भी है, वही बात थोड़ा सा और जोर देके बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वो रियल नंबर है उस डोमेन इज द सैंपल स्पेस, इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या क्या चीजें है ये? रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वो रियल नंबर होगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होंगी? रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब उसकी रियल वैल्यू होगी। या मान लो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो सारी वैल्यूज मिलकर एक रियल वैल्यूड फंक्शन बनाएंगी, और वो सारी वैल्यूज जो होंगी वो रियल नंबर होंगी। उस डोमेन, उस फंक्शन का जो डोमेन होगा इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये थोड़ा सा ना स्टोरी के जैसा तुमको लगेगा, बट मैथमेटिक्स है ये। जैसे मान लो कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, अच्छे से समझ आएगी। एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन 3 times। इस एग्जांपल से तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी, सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक कॉइन को हमने 3 times टॉस किया, सबसे पहला काम सैंपल स्पेस बना ले। सैंपल स्पेस में क्या होगा? सैंपल स्पेस में होगा ट्रिपल एच, फिर एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये 8 होंगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे। अब कैपिटल एक्स जो है उसको दिमाग में रख लो, ये है नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ समथिंग ऐसे बोलते हैं, मतलब समझने के लिए। कैपिटल एक्स जो होगा वो नंबर ऑफ समथिंग होगा, नंबर ऑफ थिंग्स ऐसे बोल दो, मतलब कोई चीज है उसका नंबर है। वो चीज क्या है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होती है, ठीक। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्स बोल दिया क्या, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, मैंने एक्स बोल दिया नंबर ऑफ हेड्स। अब सोचो जहां पे 3 heads आया होगा वहां पे एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, जहां पे 2 heads आए होंगे वहां पे एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, जहां पे एक ही हेड आया होगा वहां पे एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जहां पे एक भी हेड्स नहीं आए होंगे, एक भी हेड नहीं आया होगा वहां पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू इस सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 और 0। क्या ये सारे रियल नंबर है? ये रियल नंबर है। अच्छा, उसका डोमेन कैसे होता है सैंपल स्पेस का, वो भी दिखाता हूं अभी। तो मैंने क्या मान लिया, x जो है वो नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ हेड्स, इस सैंपल स्पेस के लिए नंबर ऑफ हेड्स है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको हमने क्या मान लिया, टॉसिंग अ कॉइन 3 times, इसको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लिया। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। x जो है नंबर ऑफ हेड्स, इसको हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक। अब x की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, देखो। x की वैल्यू अगर ये हो जाए, मतलब देखो इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, सैंपल स्पेस में जो भी आता है उसमें से तो कुछ भी हो सकता है। ट्रिपल हेड मतलब तीनों हेड्स आ जाए, तो उस टाइम पे x, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो मान लो कॉइन को 3 times टॉस किया, 3 times हेड आ गया,
और हमने कैपिटल एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या लिया है, कितनी बार हेड आता है, वो नंबर जो है वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो इस सिचुएशन में एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, तीनों हेड है। अच्छा, अगर मान लो एच एच टी आ जाए या एच टी एच आ जाए या फिर टी एच एच आ जाए, तो इन तीनों के लिए जो हमारे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 2 रहेगी, 2 हेड्स वाला हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि एच टी टी आता 3 बार टॉस करने पे, फिर टी एच टी आता, फिर टी टी एच आता। ऐसे सिचुएशन में एक ही बार हेड आया तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, तो उस केस पे तीनों टेल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स को हमने एक्स लिया है, वही हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक, तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हो गई। इसको मैं जरा सम कर दूं तुम्हें समझाने के लिए, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, अगर ना समझ आए तो पूछ लेना। देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हियर, ऐसे लिखते हैं, हियर टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली बात, मैं इस डेफिनेशन में जो ब्लू से लिखा है उसमें हर एक वर्ड समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पहला वर्ड, ये क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। आगे देखो, नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर्स इज रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ टाइम्स हेड आया तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक। सो देयर कैन बी 3 हेड्स, 3 हेड्स हो सकते हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, तीनों बार हेड्स आ सकता है। देयर कैन बी 3 हेड्स, तो मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है। 2 हेड्स भी हो सकता है, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो सकती है। एक ही हेड भी हो सकता है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो सकती है। और नो हेड्स, कोई हेड्स ना है, ये भी हो सकता है, तीनों कॉइन टॉस किया, तीनों बार टेल्स आ गया, ऐसा भी हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यहां तक डेफिनेशन हमारी सारी हो गई क्लियर। अब देखो इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे ये जो रैंडम वेरिएबल है वो ऐसे लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अभी जो बनाने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत सिंपल होता है ये बनाना, और बस यही छोटी छोटी बातें 13.4 के लिए चाहिए, फिर हम एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। देखोगे यहां x लिखते हैं और यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो लिखते हैं, तो x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है x सबसे पहले। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, x की जो वैल्यू है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लो, रैंडम मत लिखना, या तो 0, 1 फिर 2 और 3 ऐसे लिख लो, या 3, 2, 1, 0 ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कैसे भी लिख दिया, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में लिखना। ये x हो गया, अब यहां पे लिखेंगे इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, ठीक है। चलो p ऑफ x समझना अच्छे से, फर्स्ट पार्ट, p व्हेन x इक्वल टू 0, x जब 0 है उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x 0 है मतलब, बहुत ध्यान से सुनो, x 0 है मतलब कोई भी हेड्स नहीं आया है, x हमने क्या लिया, नंबर ऑफ हेड्स को x लिया है। अब x अगर 0 है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स है, ये क्लियर कट समझा दूं मैं, ये प्रोबेबिलिटी नो हेड्स है, क्योंकि हमने x क्या लिया, नंबर ऑफ हेड्स लिया, और नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 बोल रहे हैं मतलब नो हेड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जरा निकालो, 1/8, ये हो गया 1/8, तो इस बॉक्स में क्या लिख दिया, 1/8। अच्छा, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी x अगर 1 हो, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो 1 हेड में फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे, देखो एच टी 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 एच टी
टी टी एच, यही तीन तो होंगे, तो कितना हो गया 3/8। थर्ड अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टू, मतलब प्रोबेबिलिटी टू हेड्स की बतानी है, प्रोबेबिलिटी टू हेड्स, दो हेड्स कौन कौन से सिचुएशन में आ सकते हैं, जब एच एच टी हो, एच टी एच हो, टी एच एच हो, तो तीन फेवरेबल है इसके अंदर, 3/8 ये भी हो गया। और फोर्थ सिचुएशन प्रोबेबिलिटी ऑल हेड्स आ जाए, अगर एक्स की वैल्यू 3 हो जाए, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नो टेल्स बोल सकते हैं इसको, नो टेल्स मतलब ऑल हेड्स, तो 1/8 ये भी। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में ध्यान से सुनो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू, यहां मैं लिखना भूल गया था, 3/8, 3/8, 1/8, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में पी ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाए अगर, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स, एक्स की क्या क्या वैल्यूज है, तो जीरो पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू टू पॉसिबल है, और पी एक्स इक्वल टू थ्री पे पॉसिबल है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करो, तो जीरो पे आ गया 1/8, ये आ गया 3/8 प्लस फिर 3/8 एंड प्लस 1/8, कितना आ रहा है देखो 8/8, ये 1 आ रहा है, अगर 1 आ गया मतलब ये क्या है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है ना वो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का रैंडम वेरिएबल है। इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि चेक करो ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज बताता हूँ एनसीईआरटी की, ये लिखता है एनसीईआरटी में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ये लिखता है हेंस, अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, हेंस इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा है कि जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। बोलो हर चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। सर वो डोमेन वाला पॉइंट बताना एक बारी। देखो ये सारे अगर मिला दोगे ना, ट्रिपल एच को देखो, ये सैंपल स्पेस का एक डोमेन का एक पार्ट है, मतलब सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। अच्छा तो सबको मिला, अच्छा सारे उस चीजों को मिला के सैंपल स्पेस बन जाएगा, कितना पूरा प्रोबेबिलिटी है वो आना चाहिए। देखो जब तक, बहुत बहुत अच्छी बात तुमने पूछी, जब तक ये मिला के सैंपल स्पेस नहीं बनेगा प्रोबेबिलिटी का सम कभी 1 होगा, खुद सोचो ना, नहीं हो पाएगा। अगर इसमें से एक भी छूट जाए, जैसे मान लो ट्रिपल टी हमने कंसीडर नहीं किया, तो इन सारी की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज का सम कभी भी 1 आएगा? 1 कब आता है, सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं तब, है ना, तो ये चीज तो होनी चाहिए वैसे भी। इसको कॉपी करना है, ठीक है, इसको कॉपी करना है, हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे, बैठे अभी कुछ और चीजें समझानी है इसके अंदर, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सरसाइज में जाना है, ये कॉपी कर लो पहले। इस चीज को समझने के लिए हम इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं, मतलब एक्स को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, देखते रहना। अब बस मैं एक्स क्या है वो चेंज कर रहा हूं, ठीक, हमारा एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल सेम है, बस मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं। और फिर देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का है कि नहीं, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम फिर से चेक करेंगे, तो ये सारे प्रोसेस फिर से रिपीट होंगे, और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए नहीं है अभी तक। हम क्या करते थे, फेवरेबल आउटकम काउंट करते थे और उसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, डिफरेंट थ्योरम्स डिफरेंट अप्रोच की हेल्प से। अब हमारा एग्जाम्पल वही है कि तीन कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, बस एक्स की वैल्यू मैं चेंज करूंगा और उसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। चलो देखो अब क्या कर रहे हैं, थ्री कॉइन को टॉस हुआ, एक्स अब हम चेंज कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलता हूं एक्स को कि एक्स जो है वो डिफरेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स है। अच्छा, हेड डिफरेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स है, इसका मतलब ये मत समझना
कि अगर एक हेड आया और दो टेल्स आए तो डिफरेंस माइनस वन, नहीं ये वाला डिफरेंस नहीं है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, वो बात की है मैंने। मतलब ये क्या है, एच डिफरेंस टेल्स। आई होप इसका मतलब समझते हो। एच माइनस टी मतलब एच कितनी बार आ, टेल कितनी बार, दोनों को माइनस, और एच डिफरेंस टी मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाला है, दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जब तीनों हेड्स आए होंगे तब क्या हुआ होगा। जब तीनों हेड्स आए होंगे तो तीन हेड्स है, जीरो टेल्स है, तो थ्री आ गया एक्स की वैल्यू। जब मैं, हम सारे आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एच एच टी जब आया होगा उस टाइम पे दो हेड्स हैं और एक टेल है तो एक्स की वैल्यू वन रही होगी। जब एच टी एच अपेयर हुआ होगा उस टाइम पे हेड्स दो है और टेल एक है तो एक्स की वैल्यू वन रही होगी। जब एच टी टी आया होगा तो टेल्स दो बार है और हेड एक बार है तो डिफरेंस वन रहा होगा। फिर ये चार हो गए, अब इसको देखो, जब टी एच एच आया होगा उस टाइम पे दो बार टेल्स है एक बार हेड है तो डिफरेंस वन रहा होगा। कितने हो गए, पांच हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव। अब सिक्स, टी एच टी के बारे में बात हो रही है, टी एच टी में दो बार टेल्स है एक बार हेड है तो ये हो गया। फिर टी टी एच जब आया होगा तब क्या हुआ होगा, टी टी एच में दो बार टेल्स है एक बार हेड है और लास्ट में जब तीनों बार टेल्स आया होगा तो तीन बार टेल्स और जीरो बार हेड, डिफरेंस कितना, थ्री आया होगा। तो इन सारे एट पार्ट्स के बारे में बात करके हम ये देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, चेक करते हैं। हाँ, जीरो पॉसिबल है, जीरो है क्या पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, नहीं सर, सॉरी, थ्री एंड वन, वन पॉसिबल है। मैं वन वाले को सर्कल करता हूँ, ठीक है, ताकि कोई छूट ना जाए, हम सबको डिस्कस कर लेंगे इसलिए। तो ये वन पॉसिबल है एक्स की वैल्यू, ये भी वन है, या फिर थ्री पॉसिबल है। थ्री को मैं वैसे रेक्टेंगल बनाता हूँ। सारे हो गए, काउंट कर लो, थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है सारे हो गए। तो अब हमारे एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल रही है उसका टेबल बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो एक्स और यहां पे लिखेंगे पी एक्स, दो ही एक्स की वैल्यूज हैं तो टेबल छोटा सा ही बनेगा। एक्स की वैल्यू एक तो वन हो सकती है, दूसरा थ्री हो सकती है। वन की क्या प्रोबेबिलिटी है, चलो एक काम करते हैं, वन कितनी बार में आ सकता है। देखो एक्स कब कब, मतलब एक्सपेरिमेंट में से क्या क्या आउटकम लेगा कि एक्स की वैल्यू वन होगी, तो सारे सर्कल्स वाले को लिख लो, एच एच टी कॉमा, फिर एच टी एच कॉमा, फिर वन कहा है, एच टी टी कॉमा, फिर टी टी एच कॉमा, ऊपर से चार हो गए, नीचे के दो हैं, फिर टी एच टी कॉमा, क्या क्या बच गया, ये हो गया, ये हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव लिख दिया ना हमने, टी टी एच, नहीं टी टी एच दो बार लिख दिया है, एक बार यहां पे लिख दिया, एक बार यहां पे लिख दिया, ऐसा कैसे हो गया, रुको, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी एच टी है, ये टी एच टी है, ये क्या हो रहा है, ये टी एच एच है, ये टी एच एच है, फिर टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, अब ठीक है। हाँ तो इसमें भी टी एच एच में, रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कुछ। तो वन में क्या क्या लिखना था, एक तो एच टी टी लिखना था, एच टी एच लिखना था, एच टी टी, फिर ये वाला लिखना है टी एच एच, फिर इधर से लिखना है टी एच टी, और फिर लिखना है टी टी एच। अब कितने हो गए, ये सिक्स है ना, देखो जरा, तो सिक्स बाई एट,
कितना आ गया 3/4, तो 1 पे आ रहा है 3/4, 3 पे कितना आएगा, तो एक्स 3 कब होगा, दो ही बार होगा, एक बार ट्रिपल एच पे और एक बार ट्रिपल टी पे, तो कितने होंगे ये 1 2 2/8 मतलब 1/4, तो ये हो गया 1/4। अब p ऑफ x इक्वल टू कितना 3 पे, एंड प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू कितनी है 1, ऐड करो इनको, तो x इक्वल टू 3 पे कितना आया है, ये है x इक्वल टू 3, यहाँ पे x कितना है 3 था, तो ये आया है 1/4 और ये आया है 3/4, ऐड करके देखो 4/4 मतलब 1 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। दिस इज, अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल होने के लिए यही रिक्वायरमेंट नहीं है, और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का बोल देंगे, मैं और भी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, 3 रिक्वायरमेंट है टोटल, पहले लिख लेता हूँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट को ये होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सुनो, ध्यान से सुनोगे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1, पहली रिक्वायरमेंट। नंबर 2, वैल्यूज ऑफ एक्स कैपिटल एक्स शुड बी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट, किसी भी सेपरेट इवेंट की, मतलब एक्स अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ऑल द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज, ऑल द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज शुड बी मोर देन 0, मोर देन और इक्वल टू 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी एक्स एन मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी, यहां पे देखो ये वाला जो है ना 1, ये एक्स 1 है, ये एक्स 2 है, ये एक्स 3 है, एंड सो ऑन एक्स एन तक जा सकते हैं, जैसे पीछे वाले में कहां तक गए थे, एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट फुलफिल करता है तभी जाके हम बोलेंगे क्या, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का है, ठीक। तो ये कॉपी कर लो, और ये ना 3 पॉइंट्स जो रेड से मैंने लिखे हैं ये भी कॉपी कर लो, क्योंकि ये हमको एक्सरसाइज में यूज करना है, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हमको चेक करना है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का है कि नहीं है, तो यही 3 पॉइंट्स हम वैलिडेट करेंगे वहां पे, कॉपी करके इन्फॉर्म करो, ठीक है। अब देखो एक 2-3 एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल में तो हम अभी रैंडम वेरिएबल वाला समझेंगे, और फिर उसके बाद ना इसमें हमको मीन वेरिएंस ये सब भी करना है, ठीक, तो एग्जांपल के थ्रू इनको समझने का सबसे अच्छा मतलब वो है एग्जांपल के थ्रू समझना, तो देखते हैं क्या क्या है। एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, देखोगे ये जरा सर्च करना, एनसीईआरटी में शायद एग्जांपल 22 है, बट तुम सॉल्यूशन मत देखना, ठीक। पर्सन, मैं टाइप कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखना है, सर हम वैसे में देख सर, हाँ अच्छे बच्चे हो, ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना, तो मैं टाइप करूं पहले, छोटा छोटा क्यों आ रहा है, हाँ तो देखो क्वेश्चन में, पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक आदमी है जो सिक्के उछालने वाला गेम खेलता है, फॉर ईच हेड ही इज गिवन बाय ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर्स, एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव ₹1.5 टू द ऑर्गेनाइजर्स, 2 रुपए मिलते हैं तो उसको प्राइज मिलता है ₹2 का, और अगर टेल आता है तो 1.5 उसका लॉस हो जाता है, प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज में बात कर लें तो उसको प्रॉफिट होता है कब, जब हेड आता है, और लॉस होता है कब, जब टेल आता है, कितने का प्रॉफिट 2 रुपए का, और कितने का लॉस 1.5 रुपीज, 1.5 रुपीज का।
लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट लॉस्ट और गेन्ड बाय द पर्सन. यहां पे एक्स नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि अगर तीनों टेल आ जाए तो 4.5 रुपीस जेब से चले जाएंगे, है ना, तो यहां पे एक्स नेगेटिव भी हो सकता है. शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल, ये काम करना है, एंड एग्जिबिट अ फंक्शन, एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो पहले रैंडम वेरिएबल करें, ठीक, क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखोगे. देखो यहां पे लिखते हैं हेड्स, यहां पे लिखते हैं टेल्स. सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों बार हेड्स आ जाए और टेल एक भी बार ना आए, और यहां पे अमाउंट उसको क्या मिलता है. यहां पे हम प्लस माइनस साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, मतलब प्लस लिखेंगे तो समझ जाना प्रॉफिट है, माइनस लिख देंगे तो समझ जाना उतना जेब से जा रहा है. तो अगर तीनों बार हेड्स आया उसको कितना मिला, प्लस सिक्स मिला, मतलब दो रुपए हर एक हेड पे मिल रहा है. दो बार हेड्स आया एक बार टेल आ गया तो क्या मिला उसको, ओवरऑल क्या हुआ, चार रुपए मिल गए और 1.5 चले गए, तो 4 - 1.5 कितना आ गया, 2.5 प्लस का, प्लस मतलब प्रॉफिट. एक बार हेड आया होगा दो बार टेल आया होगा तो क्या होगा, 2 रुपए मिले हैं और 2 × 1.5 चला गया, मतलब उसको माइनस वन रुपी हो गया, उसका लॉस हो गया यहाँ पे. और अगर 0 बार हेड आ गया 3 बार टेल आ गया तो 0 - 3 × 1.5 ये हो गया माइनस का 4.5. ठीक, अब ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे पूरे हुए होंगे, जैसे ये तीनों हेड्स, 3 बार हेड और 1 बार टेल, 0 बार टेल, ये एक ही कंडीशन है, जब ये आया होगा तब ये वाली चीज कैसे पूरी हुई होगी, जब 2 बार हेड और 1 बार टेल आया होगा, कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे, कितने ऐसे मतलब आउटकम्स होंगे जहां पे 2 बार हेड और 1 बार टेल बोला जा रहा है. तो एक तो एच एच टी रहा होगा, सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं, और एक एच टी एच रहा होगा. सैंपल स्पेस लिख लेने से ये होता है ना कि कुछ छूट तो नहीं गया. टी एच हो गया, फिर टी टी एच एंड टी टी टी. हाँ अब देखते हैं क्या क्या हो गया. तो 2 बार हेड से 1 बार टेल, सर ये 3 बार हुआ तो सर. फिर एच टी एच कुछ मिस हो जाए तो बता देना. तो ये है और ये है टी एच एच, है ना, 3 ही बार होगा. यस सर. 1 बार हेड 2 बार टेल कैसे हुआ होगा, 3 बार होगा सर. एच की जगह टी लिख दो, ऊपर वाला ही कॉपी कर दो. अच्छा ओके. और ये कैसे हुआ होगा 3 बार टेल, टी 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 ए की होगा. हाँ तो पहली बार तो ये देख लो मिला के 8 हो जा रहे ना, 3 3 6 2 8, बढ़िया है, रैंडम वेरिएबल बना लेगा. अब एक्स की वैल्यूज ये हो गई, है ना, तो हम बनाते हैं अपना टेबल. x और फिर p of x, x की वैल्यूज देखो क्या क्या लिखनी है यहाँ पे. x की वैल्यूज देखो क्या क्या लिखनी है, पहले लिखना है 6, फिर 2.5. अच्छा देखो ये इंटीजर नहीं आ रहा है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने अभी. एक्स इंटीजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल तो सही है, रियल वैल्यूड फंक्शन, बिल्कुल सही था वर्ड. हाँ ऐसे बैठ रहे थे. -4.5. अब पी ऑफ एक्स, तो 6 लाने के लिए एक ही आउटकम था, मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है. चलो 6 का क्या प्रोबेबिलिटी है, ट्रिपल एच एक ही बार होगा ना, तो 1/8. 2.5 के लिए 3 आउटकम्स हैं, तो 3/8. -1 के लिए भी 3/8 और -4.5 के लिए 1/8.
अब पी ऑफ एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2.5 पे प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू -1 पे एंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू -4.5। इन सबको ऐड करें तो ये हो गया 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। 8/8 मतलब 1 आ गया, ये हो गया रैंडम वेरिएबल। इट इज द रैंडम वेरिएबल, सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएबल का है। So it is a probability distribution, probability distribution of a random variable. समझ आया? Yes sir, आया थोड़ा थोड़ा। चलो copy करो। एक new topic है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसका मीन कैसे निकालते हैं, और मीन जब निकल जाएगा तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब पहले थ्योरी थ्योरी है, ये समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे जाएंगे। तो न्यू हेडिंग है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। Expectation of random variable x, expectation of random variable x represent कैसे करते हैं, e of x, e bracket में x, इससे represent करते हैं, ठीक है, या इसको हम mu से भी denote करते हैं। देखो क्या formula होता है, एक छोटा सा formula है, stats की entry थोड़ी बहुत हो रही है, stats की entry, स्टैटिस्टिक्स, इसलिए मैंने पूछा क्लास 11 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े तो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना है। ये वही टेबल है जो हम थोड़ी देर पहले बना रहे थे, इसमें क्या क्या लेते हैं वो समझो। ये मान लिया हमारा एक्स है और ये पी ऑफ एक्स है, तो ये वाली वैल्यू एक्स वन ले ली, ये वाली वैल्यू एक्स टू, और इसको मान लिया P1, इसको मान लिया P2, फिर X3, P3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये Xn है और ये Pn है, ठीक। तो E of X, या इसको म्यू भी लिखते हैं, और क्या क्या बोलते हैं इसको, E of X को मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू एक्स थ्री पी थ्री सो ऑन टिल एक्स एन पी एन, या इसको सिग्मा के फॉर्म पे लिखो, सिग्मा एक्स आई पी आई वेर आई इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना, जैसे मान लो तुमने ई एक्स निकाल लिया, एक 3 कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इफ 3 कॉइंस आर टॉस्ड, या 3 कॉइंस आर टॉस्ड 3 टाइम्स, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इफ कॉइन is tossed 3 times, तो क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू e of x की वैल्यू 2.5 आती है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या मीनिंग देगी हमको। तो इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक, और हमने x किसको माना है, x माना है मान लो नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स ऑकर, हेड्स कितनी बार आया है, तो 2.5 टाइम्स हेड्स आया है, मतलब अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 8 आउटकम्स होंगे, तो 8 में उन सारे में
सबसे ज्यादा चांस किसका होगा, मतलब वो सारे हटा दें। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो बहुत एक, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी नहीं एक एग्जांपल बोलता हूँ। दो फ्रेंड है ए और बी, इन दोनों में डिसाइड हुआ है कि हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, टेल आएगा तो तू जीतेगा। पहली बार किया हेड आया तो ए जीत गया, बी हार गया। फिर दूसरी बार किया तो ये हार गया, ये जीत गया। फिर ये जीत गया, ये हार गया, ये हार गया, ये जीत गया। घंटों चलते रहा, ये पागल हो गए कि अब कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं चल रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, यार सबको हटा दे, लास्ट टॉस करते हैं, अब जो जीतेगा वो जीतेगा। ठीक, तो यहां पे अगर तीन बार टॉस किया, पहली बार में ये हुआ, दूसरी बार में वो हुआ, तीसरी बार में वो हुआ, कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ एक्चुअली, और मैंने बोल दिया कि हेड्स आना चाहिए मुझे तो मैं जीतूंगा, तो अब कितनी बार हेड आएगा ये अगर मुझे मालूम करना है एक बार टॉस करके, तो आंसर होगा 2.5। 2.5 टाइम टॉस, मतलब 2.5 टाइम हेड पॉसिबल नहीं है, एक रॉ डेटा है ये कि हाँ ई एक्स की वैल्यू अगर 2.5 है तो 8 टाइम टॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, उसमें से हेड्स कितनी कितनी बार आया है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो 2.5 का मतलब ये है कि उन सब में से अगर एक बार टॉस कर दें, उन सबको हटा के अगर एक बार टॉस कर दें तो 2.5 टाइम्स हेड्स आएगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में कुछ आएगा। ठीक, तो ये है, बात समझ में आ रही है, बोलो। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर वो है मीन। मीन निकालना तो आ गया इस फॉर्मूले से, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल छोटा सा, इसमें हम सीखेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला है। देखो यहां क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन अ थ्रो ऑफ ऑन द थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। सर एक इवेंट लेंगे, रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, थ्रोइंग अ डाई। ठीक, एक्स क्या ले लिया हमने, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग द डाई, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो डाई। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसको लेकर हम लोग टेबल बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, देखते रहना। एक्स की वैल्यू क्या क्या रहेगी, ये देखो एक्स है, यहां पी ऑफ एक्स है, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या निकालना है, क्या क्या उसमें रखना है। तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, डाई पे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 6 तक कुछ भी आ सकता है ना, 3, 4 यहां लिख दिया 5 और इसमें लिख दिया 6। ठीक है, इतने सारे आउटकम्स हो सकते हैं। अब 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। मीन मतलब
e ऑफ x, ये निकालना है पहली चीज, तो यहां लिखते हैं e ऑफ x। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, x1 into p1, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कहां तक जा रहा है, x6 तक जा रहा है, ठीक। x1 p1 1 into 1 by 6, फिर प्लस 2 इंटू 1 बाई 6, 3 इंटू 1 बाई 6, 4 इंटू 1 बाई 6, 5 इंटू 1 बाई 6 और प्लस 6 इंटू 1 बाई 6। देखो इसमें से क्या करो, 1 बाई 6 कॉमन दिख रहा है और सम कहां से कहां तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 और 6, तो ये कितना आ रहा है, 1 बाई 6 इंटू 7, 7, 7, 21, 21 by 6, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 by 2, मतलब ये आ गया 3.5, ठीक है, मतलब डाई को थ्रो करने पे 3.5 आने के चांसेस ज्यादा है, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. 3.5 वैसे आएगा नहीं, है ना, x क्या है वैसे वो देखो, नंबर ऑब्टेन ऑन द थ्रो ऑफ अ डाई, तो डाई को थ्रो कर दें, अगर दोबारा थ्रो कर दें, एक बार थ्रो करेंगे तो वन का आने का चांस इतना है, टू का इतना, थ्री का इतना, बट किसका एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा आ सकता है, 3.5 का चांस ज्यादा है, नंबर टू, मीन हो गया, आप देखो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है सर, हम चांस की बात कर, अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस को कैसे लिखते हैं, VARX, ये क्लास 11th में पढ़ा था, वहां पे हमने स्टैट्स में किया था इसको, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस, निकालते हैं अभी इसको, फिर यहां निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, देखो ये क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर मतलब वन, ये हो गया फोर, नाइन, सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, थर्टी सिक्स, एक्स का स्क्वायर, अब सोचो ई ऑफ एक्स निकालने में हमने क्या किया था, एक्स वन इंटू पी वन किया था, एक्स टू इंटू पी टू किया था, इस तरीके से कर ले थे, अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने में हम एक्स वन स्क्वायर इंटू पी वन करेंगे, एक्स टू स्क्वायर इंटू पी टू करेंगे, एक्स थ्री स्क्वायर पी थ्री, x4 स्क्वायर p4, x5 स्क्वायर p5 और x6 स्क्वायर p6 और माइनस e of x तो निकाल चुके हैं 3.5 उसका स्क्वायर, ठीक है, तो करें 1 into 1 by 6, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 into 1 by 6 प्लस कितना हो गया, 4 into 1 by 6, 9 into 1 by 6, 16 into 1 by 6, आगे देखो 25 into 1 by 6, ये थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, 36 into 1 by 6 minus 3.5 का स्क्वायर 12.25, पहले सारे टर्म्स में से 1 by 6 कॉमन, तो ये हो गया 1 plus 4 5, 5 और 9 14 और 14 और 16 30, 30 और 25 कितना हो गया 55, 55 और 36, 61, 71, 81, 91, 91 upon 6 minus 12.25, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो करें सॉल्व, 15 पॉइंट कितना आ रहा है, 91 upon 6 करो जरा कितना आता है, 1, तो 6, 1 जा 6, 4, 6, 6 जा 36, 6, 7 जा 42, अराउंड 15.17 है, एक रफ आइडिया, माइनस 12.25, जरा ये सब्ट्रैक्ट करो कितना आता है, 2.92 अप्रोक्स लिख देना, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 91 by 6 एग्जैक्ट नहीं था, 2.92 ये आ गया,
अब स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, 2.92 का स्क्वायर रूट, ये निकालो, पॉइंट में आएगा निकालो जरा, तो इसका मीन आ गया कितना 3.5, वेरियंस आ गया 2.92 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.71। इसको कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा। टू डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली दो डाई को एक साथ थ्रो किया, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्स एक्स क्या डिनोट करता है कितनी बार छह आया है, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये करना है, करें इसको। यस yes.